नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आई रुख करते हैं खबर की ओर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, मध्य प्रदेश सरकार लगातार हवाई सेवाओं के विस्तार के लिए लगी है। खासकर हमारे यहां जो धार्मिक, ऐतिहासिक, पौराणिक, पर्यटन के केंद्र हैं, वहां यात्री सुगमता से यात्रा करें, इसके लिए आज 2 ज्योतिर्लिंग के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई। उज्जैन, ओमकारेश्वर, भोपाल, इंदौर से हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हुई। आने वाले समय में यह सेवा और बढ़ेगी। आज फादर्स डे है, हम सब बाबा महाकाल के पुत्र हैं, ऐसे में बाबा महाकाल के चरणों में यह सेवा समर्पित है। सरकार लगातार हवाई सेवाओं के विस्तार के लिए लगी हुई है और खासकर हमारे अपने प्रदेश के अंदर जो हमारे धार्मिक पर्यटन के केंद्र हैं, बाकी पर्यटन के केंद्र हैं और कई ऐतिहासिक, पौराणिक और पुरातात्विक महत्व की अलग अलग प्रकार के स्थान हैं। इन स्थानों पर सरलता से, सुगमता से यात्री कम समय में जाकर के जल्दी से उसको अध्ययन करे, देखे या श्रद्धा व्यक्त करे। इसी की शुरुआत में आज 2 द्वादश ज्योतिर्लिंग के, हमारे 2 ज्योतिर्लिंग के लिए हेलीकॉप्टर सेवा चालू हुई है। उज्जैन, ओंकारेश्वर, भोपाल, इंदौर, ये 2 हेलीकॉप्टर के माध्यम से सेवा शुरू हुई है। आने वाले समय में हेलीकॉप्टर और बढ़ते जाएंगे, सेवाओं का विस्तार होगा। मेरी अपनी ओर से इस अवसर पर मध्य सरकार की ओर से आप सबको बधाई। आज फादर्स डे भी है, हमारे लिए बाबा महाकाल के चरणों में ये एक तरह से सेवा समर्पित है। हम सब पुत्र हैं उनके, वो हमारे पिता हैं और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जिस प्रकार से विकास का कारवा चल रहा है, 3 दिन पहले हमने अपने 8 शहरों के लिए एयर टैक्सी की सौगात दी थी, आज हेलीकॉप्टर सेवा हमने शुरू की है। एयर एम्बुलेंस की सेवा हमने पहले से जारी रखी थी। इसी प्रकार से विकास के लगातार आयाम बढ़ते जाएंगे। मेरी अपनी ओर से आज गंगा दशहरे के अवसर पर शिप्रा जल गंगा अभियान का आज हमने अंतिम दिन सर पिताजी का आशीर्वाद भी लिया है। जितने प्रकार से काम खोले गए हैं प्रदेश भर में, लगभग 4000 करोड़ के विभिन्न कामों की मंजूरियां दी गई है और 6 लाख से ज्यादा जनभागीदारी के इस समय सबके सहस्तित्व का बड़ा प्रमाण मिला। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जिस प्रकार से ये सब जल संरक्षण के काम हुए, ये एक तरह से बाकी सबको प्रेरणा देंगे। मेरी अपनी ओर से बधाई। इस खबर में बस इतना ही, बने रहिए नया भारत दर्पण समाचार के साथ।